आपको कैसा फील हुआ ये ट्रिप में, कैसा लगा आपको? और कौआ पता नहीं क्यों आजकल बार बार मेरी वीडियोस में आ रहा है। दो कौए आ गए, ये किधर आ गया? जो यार देखो कौआ यार, ये A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just. सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल आर्यन एंड अनुपम ब्लॉग। सो गाइज, आपने देखा था प्रीवियस ब्लॉग हमारा वेडिंग, और वेडिंग से हम फिर आ गए थे घर के लिए वापस। अभी फिलहाल लाइट गई है, चलिए फिर भी मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर देता हूँ। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है इसी रूम से। फिलहाल आज चेकआउट कर रहे हैं हम, अभी निकल रहे हैं घर के लिए, और जो भी चीज़ें होने वाली है आप इस ब्लॉग में देखोगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 4 लेन पे, और बाहर बहुत बारिश हो रही है। हम रूम से जैसे ही निकले तो हम सीधा 4 लेन पे पहुंच गए थे, मतलब कि बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार बहुत बारिश हो रही थी और ट्रैफिक भी बहुत था और थोड़ा रिस्की रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब 4 लेन में पहुंचूंगा तब आपको अच्छे से वीडियो दिखाऊंगा। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है गाइस हमारे शादी की, वो बहुत ही अच्छी शादी रही है और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। बट बच्चों के साथ हम अभी निकलते हैं और आगे जहाँ हम स्टे करेंगे। वैसे तो हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, अभी फ़िलहाल टाइम 11:30 हो गया। अब मुझे यहाँ से टाइम लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लग जाएंगे। हम इस मनाली जो ये 4 लेन है किरपोल वाला, इसमें ही जाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हमने ले लिया था एक हॉल्ट लेना ज़रूरी था, आप लोगों को पता है बच्चे के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, और वैसे भी हम दोनों ट्रैवल करते हैं तब भी हम बीच बीच में हॉल्ट लेते रहते हैं, क्योंकि जर्नी का मज़ा तभी है अगर बीच बीच में रुक रुक के जाएँ। और मैं अनुपम से पूछना चाहूँगा कि वैसे तो अनुपम कैमरा पे नहीं आते क्योंकि ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि कैमरा के सामने कुछ बोल पाए, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका एक्सपीरियंस ऑल ओवर मैरिज के बारे में कैसा रहा। और यदि आप लोगों का भी है कि अनुपम मेरे साथ व्लॉगिंग में आए और व्लॉगिंग डेली मेरे साथ डेली व्लॉग पे आए, तो वो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी एक बार मैं पहले आपको लोकेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अनुपम का ऑल ओवर मैरिज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मेरा तो पर्सनली बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि पहले मेरे को थोड़ा हैक्टिक फील सा हुआ था बेबी के साथ, बाद में मैं बिल्कुल कम्फर्टेबल हो गया था। और चलिए एक बार सामने का व्यू देखो और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, और उसके बाद अनुपम से मैं पूछता हूँ। तो गाइज, ये जो लोकेशन है ये हरा बाग के आसपास है हम लोग कहीं पे। अभी हमें हमीरपुर पहुंचने में से 1.5 घंटा करीब लग जाएगा। सो गाइज, अभी मैं अनुपम से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो शादी के लिए कैसा रहा, मतलब आपको कैसा फील हुआ ये ट्रिप में। और मायरा के साथ हमारा फर्स्ट ये ट्रिप था, आपको पता है कि अप डाउन तो आते ही रहते हैं जब हम लोग ऐसा ट्रैवल करते हैं और बेबी के साथ बेबी कैरी करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत हैक्टिक सी होती है, तो कैसा लगा आपको? सो गाइज, यही तो खासियत है अपने एरिया की। यहाँ देखो यार, कई जगह बर्फ गिर रही होगी तो यहाँ कितना मस्त मौसम, हालांकि ऊपर तो बादल है लेकिन इस साइड धूप है। और यहाँ मैंने थोड़ी देर पार्क कर ली थी क्योंकि धूप बड़ी अच्छी आ रही थी, मुझे लगा कि यहाँ रोक लेता हूँ। तो ये देखो फ्रंट कैमरा कितना अच्छा वेदर हुआ है ना यहाँ पे। और गाइस, यदि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और यार मुझे आज निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है, तो मैं आज निकल रहा हूँ शाम को शिमला के लिए। तो मैं 1-2 दिन ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, अगर मिला बीच में टाइम तब मैं कर लूँगा।
नहीं तो आपको पता है कि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं ले जाता हूँ, पर ड्यूटी की काउंटनेस बहुत कम है, और जहाँ ड्यूटी आपको तो पता है वहाँ पे रोड कैसे है, यहाँ तो देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, शोर आ रहा होगा बट फिर भी आप मैनेज कर लेना। Could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there? तो गाइज फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके थे घुमारवीं में, और यहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया और एक रील्स बनाई हमने इंस्टाग्राम के लिए यहाँ हंगरी पॉइंट पे। आपने मे बी इंस्टाग्राम में जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने ज़रूर देखी होगी, यदि नहीं फॉलो करते हैं तो मेरा लिंक आपको इंस्टाग्राम का दिख रहा होगा, आप फॉलो कर सकते हो। बाकी अभी मौसम काफ़ी क्लियर हो गया था, अभी मैंने फ़िलहाल अपर हिमाचल कॉल की थी तो वहाँ पे बहुत बढ़िया सी बर्फबारी हो रही है, और यहाँ तो मौसम साफ़ होने लगा है अब। और देखिए घुमारवीं भी एक ऐसा प्लेस है जो ज़्यादा क्राउडी है, और यहाँ बहुत अच्छा एक सीनिक जैसा व्यू आ रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ले लूँ। सो गाइज ये रुक चुके थे हम बीच में पिज़्ज़ा खाने के लिए, अनुपम इधर देखो यार, और ये लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, ये देखो ये घर से हमारे थोड़ा ही दूर है, और ये देखो यार, और अभी गाड़ी के ऊपर पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम लोग, और ये रोड जो आ रहा शिमला से अभी ये घर के लिए जा रहा है, यहाँ से जाएंगे अभी। और कौवा पता नहीं क्यों आजकल बार बार मेरी वीडियोस में आ रहा है, और कल इसने मुझे पिछली वीडियो में देखा होगा आपने डरा दिया था, और अभी मैं इसको पिज़्ज़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता खा ही जाए। लो मैं यह रखता हूँ, मैं भी ये उठा ले, दो कौवे आ गए, ये किधर आ गया यार, देखो कौआ यार, ये तो ये वाह यार, भाई इसको भी देना था यार, यार क्या तो कौए भी फैमिलरी हो जाते हैं सीधे यार, कौआ यार ये पिज्जा क्या बोलते, मैंने इसको पिज्जा दिया ना इसने उठाया, और लिटरली यार इसने पिज्जा उठाया यार, मैं हैरानी हो गया, दूसरे कौए को रख रहा हूँ, आपको खाना है पिज्जा थोड़ा सा, आधा आधा खा लेंगे, थोड़ा सा रख लेता हूँ, और ये देखो गाइस मैं थोड़ा सा इसके लिए रख रहा हूँ, इस कौए के लिए, आप देखो एक पीछे खा रहा है, एक इस कौए के लिए रखता हूँ, लो अब देखता हूँ फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ आपको कि ये कौआ भी उठाता है कि नहीं। ओ भाई गॉड, ओ माई गॉड यार, दोनों कौए हैं ये, यार क्या बात है, दोनों कौए ना यार, लिटरली इन्होंने पिज्जा उठाया यार। अब देखो भाई अब चले जाओ ना यहाँ से, खा ले आराम से खा ले, बट यहाँ नहीं आना, ठीक है यहाँ नहीं आना, क्या 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 लूँ, खा लो। सो गाइज पिज्जा अनुपम का फेवरेट है, तो इसलिए बहुत टाइम बाद खाया मतलब, और अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, और पिज्जा हमने घुमार भी लिया था, और यहाँ रुके थे, एक स्पॉट था बढ़िया सा, आपने देखा यार कौआ कैसे लिटरली यार वो उस पे सीधा झपट पड़ा, और दूसरा भी आया वो भी, और बहुत सारे थोड़े बहुत पक्षी आए हैं ऐसे, वो भी लग गए, और यहाँ अभी हमारा दूध पी रही है, और चलिए अभी मिलते हैं आपसे सीधा घर पे, और वहीं से एंड करूंगा मैं इस व्लॉग का। मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पहले गाड़ी में लगे रहते थे हमारे गाने ना, कि सारे जैसे अपनी पसंद के गाने, एक प्लेलिस्ट थी अपनी, बट लेकिन अब ना पिछले 3 घंटों से जब भी गाड़ी में गाने लगे हैं तो अमायर है कि नानी तेरी मोरनी को, या चुन्नू मुन्नू, या बंदर मामा, तो ये देख के ना थोड़ा अच्छा सा फील होता है, कि बच्चों के गाने सुनते ना एक बचपन ऐसा फील होता है, दिल तो वैसे भी बच्चा ही है। अब थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं, होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, हो सकता है आगे का व्लॉग थोड़ा लेट आए, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, और चैनल में ऐसे ही बने रहिएगा।
आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अभी घर के खाने के साथ इसकी वाइफ भी पूछा लग गया यार, कितना भी पिज्जा वीजा खा लो ना। तो गाइस अभी हमने चेंज कर लिया है और इसी व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रहा हूँ। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।